नमस्कार, मैं हूं नव्या। आई जानते क्या नया हो रहा है बॉलीवुड में। 21 अप्रैल को सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई। फिल्म नेगेटिव रिव्यू के साथ खुली, हालांकि फैंस को पसंद आ रही है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लगा था कि ये फैन सर्विस के मकसद से बनाई गई है। इस लिहाज से ये तो अब पर्पल फुलजर करती दिख रही है। फिल्म को रिलीज हुए अभी एक ही दिन हुआ है, मगर लग रहा है कि मेकर सीक्वल बनाने के मूड में है। जनता फिल्म से एक कनेक्शन ढूंढ लाई है, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि सीक्वल पक्का आएगा और मेकर्स ने खुद चुपके से ये टीज कर डाला है। अगर आपने अभी तक किसी का भाई किसी की जान नहीं देखी है तो आगे वाली लाइन स्पॉइलर हो सकती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान का कैरेक्टर भाईजान विलेन से लड़ता है, सीटियों के बल पर फिर उठ खड़ा होता है, विलेन हारता है, हीरो की जीत, हैप्पी एंडिंग। कहानी खत्म होते ही शुरू होता है सेलिब्रेशन। इसके बाद आता है यो-यो हनी सिंह और DSP का गाना लेट्स डांस छोटू मोटू। गाने के वीडियो में सभी मेन कैरेक्टर नाच कूद रहे होते हैं, उसके साथ ही क्रेडिट्स रोल हो रहे रहते हैं। गाना खत्म होता है, स्क्रीन 2 सेकंड के लिए ब्लैक होती है, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सलमान का कैरेक्टर कुछ कदम आगे चलकर निकल आता है। दूर से एक शख्स दूरबीन के जरिए उन सभी को देख रहा होता है। सलमान का कैरेक्टर उसे नोटिस कर लेता है। बताया जा रहा है कि ये एक मेजर हिंट है कि सेकेंड पार्ट में सलमान किसी नए विलन से लड़ेंगे। पिछले कई सालों से फ्रेंचाइजी फिल्मों में पोस्ट क्रेडिट सीन की प्रथा रही है, छोटे से सीन के जरिए आगे की कहानी टीज की जाती है। अगर किसी का भाई किसी की जान ने भी इसी इरादे से पोस्ट क्रेडिट सीन रखा तो संभव है कि फिल्म का सीक्वल आए। बाकी बता दें कि रिलीज के पहले दिन किसी का भाई किसी की जान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। करण आदर्श के मुताबिक फिल्म के ओपनिंग डे पर 15.81 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। साल 2011 से 2019 के बीच ईद पर आई सलमान खान की फिल्मों में से सबसे कम ओपनिंग डे कलेक्शन वाली फिल्म ये रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।